बड़ी खबर। सपा नेता राजा बलवीर सिंह अटारी बीजेपी में होंगे शामिल। बहुसंयोजक सिंह चौहान ज्वाइन करेंगे बीजेपी। विकास खंडवाल की प्रधान संघ अध्यक्ष है संयोगिता सिंह। हजारों समर्थकों के साथ संयोगिता कल ज्वाइन करेगी बीजेपी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। सपा नेता राजा बलवीर सिंह अटारी बीजेपी में होंगे शामिल। बहुसंयोगिता सिंह चौहान ज्वाइन करेंगी बीजेपी। विकास खंडवाल की प्रधान संघ अध्यक्ष है संयोगिता सिंह चौहान। हजारों समर्थकों के साथ संयोगिता कल ज्वाइन करेगी बीजेपी। सपा नेता राजा बलवीर सिंह अटारी बीजेपी में होंगे शामिल। बहुसंयोगिता सिंह चौहान ज्वाइन करेंगी बीजेपी। विकास खंडवाल की प्रधान संघ अध्यक्ष है संयोगिता सिंह चौहान। हजारों समर्थकों के साथ संयोगिता कल ज्वाइन करेंगे। आज से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाएगी। 23 अक्टूबर से नवंबर तक निकाली जाएगी यात्रा। पहला रूट वाराणसी से रायबरेली तक निर्धारित। दूसरा रूट बाराबंकी से झांसी तक निर्धारित। आज से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाएगी। 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक निकाली जाएगी यात्रा। पहला रूट वाराणसी से रायबरेली तक निर्धारित। दूसरा रूट बाराबंकी से झांसी तक निर्धारित। आज से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाएगी। 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक निकाली जाएगी यात्रा। पहला रूट वाराणसी से रायबरेली तक निर्धारित। रूट बाराबंकी से झांसी तक निर्धारित। आज से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक निकाली जाएगी यात्रा। पहला रूट वाराणसी से रायबरेली तक निर्धारित। दूसरा रूट बाराबंकी से झांसी तक निर्धारित। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आज से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाएगी। 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक निकाली जाएगी यात्रा। पहला रूट वाराणसी से रायबरेली तक निर्धारित। दूसरा रूट बाराबंकी से झांसी तक निर्धारित। आज से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक निकाली जाएगी यात्रा। पहला रूट वाराणसी से रायबरेली तक निर्धारित। दूसरा रूट बाराबंकी से झांसी तक निर्धारित। बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाएगी। आगामी चुनाव के मद्देनजर ये यात्रा निकाली जा रही है। 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक यात्रा निकाली जाएगी। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बार डीजीपी कॉन्फ्रेंस होगी राजधानी लखनऊ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीजीपी कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी बैठक। 20 से 22 नवंबर तक होगा डीजीपी कॉन्फ्रेंस। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बार डीजीपी कॉन्फ्रेंस होगी राजधानी लखनऊ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीजीपी कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी बैठक। पेट्रोल के दाम आसमान पर, इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली में पेट्रोल 107 रुपए प्रति लीटर के पार। लगातार चौथे दिन महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 35 पैसे हुआ महंगा। दिल्ली में पेट्रोल 107 रुपए 24 पैसे और डीजल 95 रुपए 97 पैसे। भोपाल में पेट्रोल 115 रुपए 90 पैसे, डीजल के भाव भी बढ़े। मुंबई में पेट्रोल 113 रुपए 12 पैसे। बीते 20 दिनों में पेट्रोल 6 रुपए 5 पैसे महंगा हुआ। बीते 23 दिनों में डीजल 7 रुपए 35 पैसे हुआ महंगा। पेट्रोल के दाम आसमान पर। दिल्ली में पेट्रोल 107 रुपए प्रति लीटर के पार। लगातार चौथे दिन महंगा हुआ पेट्रोल। पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 35 पैसे महंगा। दिल्ली में पेट्रोल 107 रुपए 24 पैसे, डीजल 95 रुपए 97 पैसे। भोपाल में पेट्रोल 115 रुपए 90 पैसे, डीजल 105 रुपए 27 पैसे। मुंबई में पेट्रोल 113 रुपए 12 पैसे, नोएडा में 104 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर। बीते 20 दिनों में पेट्रोल 6 रुपए 05 पैसे हुआ महंगा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर।
डॉक्टर अमरकांत सिंह DIOS लखनऊ बनाए गए। डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह प्रतीक्षारत DIOS बनाए गए। संत प्रकाश को DIOS श्रावस्ती का मिला जिला। लखनऊ में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, डॉक्टर अमरकांत सिंह DIOS लखनऊ बनाए गए। डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह प्रतीक्षारत से DIOS बनाए गए। संत प्रकाश को DIOS श्रावस्ती का मिला चार्ज। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी का भदोही दौरा कल, परियोजना का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। भदोही जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा, जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी। ज्ञानपुर के GIC मैदान में होगा कार्यक्रम। सीएम योगी का भदोही दौरा कल, परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। भदोही जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा, जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी। ज्ञानपुर के CIG मैदान में होगा कार्यक्रम। सीएम योगी का भदोही दौरा कल, परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। भदोही जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा कल, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुल्तानपुर अम्बेडकर नगर वाराणसी के दौरे पर सीएम, सुल्तानपुर में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम। अम्बेडकर नगर में भी विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। दोपहर 12:40 पर लखनऊ से रवाना होंगे सीएम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा आज, सुल्तानपुर अम्बेडकर नगर वाराणसी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुल्तानपुर में कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। अम्बेडकर नगर में भी विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। दोपहर 12:40 पर लखनऊ से होंगे रवाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा आज, सुल्तानपुर अम्बेडकर नगर वाराणसी के दौरे पर सीएम, सुल्तानपुर में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम। अम्बेडकर नगर में भी विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। दोपहर 12:40 पर लखनऊ से होंगे रवाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा आज, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुल्तानपुर अम्बेडकर नगर वाराणसी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुल्तानपुर में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, योगी कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला, बच्चों की ड्रेस का पैसा देगी सरकार। सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म नहीं, पैसा देगी सरकार। यूनिफॉर्म और जूता मोजा का पैसा खाते में दिया जाएगा, अभिभावकों के खातों में सीधा पैसा देगी सरकार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, योगी कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला, बच्चों की ड्रेस का पैसा देगी सरकार। सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म नहीं, पैसा देगी सरकार। यूनिफॉर्म और जूता मोजा का पैसा खाते में दिया जाएगा, अभिभावकों के खाते में सीधा पैसा देगी सरकार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, योगी कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला, बच्चों की ड्रेस का पैसा देगी सरकार। सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म नहीं, पैसा देगी सरकार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सीएम योगी ने जारी किया मुआवजा। राज्य आपदा राहत कोष से 77.88 करोड़ रुपए किए जारी। बाढ़ बारिश से हुए नुकसान पर 35 जिलों को सहायता। 2,35,122 किसानों को दिया जाएगा मुआवजा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सीएम योगी ने जारी किया मुआवजा। राज्य आपदा राहत कोष से 77.88 करोड़ रुपए किया जारी। बाढ़ बारिश से हुए नुकसान पर 35 जिलों को दी सहायता। 2,35,122 किसानों को दिया जाएगा मुआवजा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन आज, सपा दफ्तर के बाहर होल्डिंग लगाई गई।
दफ्तर के बाहर जन्मदिन की बधाई के लगे होल्डिंग। आ रहा हूं स्लोगन के साथ लगाई गई होल्डिंग। सपा नेता जयराम पांडे ने लगाई होल्डिंग। सरकार बनने का काउंटडाउन बताने वाली होल्डिंग। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन आज। सपा दफ्तर के बाहर होल्डिंग्स लगाई गई। दफ्तर के बाहर जन्मदिन की बधाई के लगे होर्डिंग्स। चौक पोस्ट ऑफिस के बगल में आईडीबीआई बैंक के एटीएम में आग। आग लगने से आसपास खड़े लोगों में मचा हड़कंप। आईडीबीआई एटीएम के अंदर लगे फैन में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह। एटीएम के अंदर एक एसी और पंखा जलकर हुए खाक। आग लग देखकर स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने आग पर पाया काबू। स्थानीय लोगों के मुताबिक रात में कोई गार्ड नहीं रहता है मौजूद। चौक पोस्ट ऑफिस के बगल में आईडीबीआई बैंक के एटीएम में लगी आग। आग लगने से आसपास खड़े लोगों में मचा हड़कंप। आईडीबीआई एटीएम के अंदर लगे फैन में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल। यूपी में माध्यमिक शिक्षा विभाग के तीन शिक्षा अधिकारियों के तबादले। तीन जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षक बदले। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल। यूपी में माध्यमिक शिक्षा विभाग के तीन शिक्षा अधिकारी।